मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि एनएमआर में ये स्पिन स्पिन कपलिंग के साथ ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको अच्छी तरह एग्जांपल से डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं एग्जांपल की तौर। हमारे पास एक इथाइल क्लोराइड है, देखो तो उसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड। नॉर्मली आप देखोगे ना तो उसमें हमें कितने सिग्नल मिलती है। हम देखें नॉर्मल एनएमआर में तो हम कुछ इस तरह सोचते हैं कि भाई यहाँ से पहले जाके हमें कुछ ये टीएमएस की सिग्नल मिलेंगी, उसके बाद ये कुछ CH3 की मिल जाएगी और आगे जाके ये कुछ CH2 की मिल जाएगी। ये हो गई CH3, ये हो गई CH2। अब हम हाई रिजोल्यूशंस एनएमआर में जब डिस्कस करते हैं तो इस स्पेक्ट्रा हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि ये टीएमएस का तो सिग्नल आएगा ही आएगा, ठीक है, वो तो देखने की चीज नहीं है। और ये जो है CH3 का सिग्नल, CH3 का सिग्नल कुछ इस तरह से मिलता है, फिर से स्प्लिट हो जाता है। तो ये स्प्लिट क्यों होता है वो देखने का है। और CH2 का सिग्नल भी कुछ स्प्लिट होता है वो, और ये इस तरह से कुछ स्प्लिट होके चलता है। तो हम देखते हैं भाई इस तरह का क्यों इसमें स्प्लिटिंग होता है और उसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि एनएमआर में ज्यादातर ये जो चीज है वो स्पिन पे डिपेंडेंस करती है। हम पहले एग्जांपल CH3 का देख लें। तो यहां पे तीन हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन की डिफरेंट डिफरेंट स्पिन आएगी। और हम सोचे देखो कि ये CH3 है तो ये CH3 किस तरह एडजस्ट होता है स्पिन के तौर पे। तो ये चार तरह से उसका अरेंजमेंट हो पाता है। देखो हमारे यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, वो हमें आगे के वीडियो में देखा हुआ है। तो ये जो तीन हाइड्रोजन है ये सबका देख ले तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि सब उसके डायरेक्शन में हो। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी होती है कि भाई सब उसके अपोज में हो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, तीनों तीन। और ये कुछ चीज ऐसी होती है कि एक जो होता है वो उसके डायरेक्शन में होता है और दूसरे दो जो होते हैं ना वो हम यहां पे बता दें कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलो इस तरह का हो गया ये दो, फिर इसमें हम इसको ले लेंगे और इसमें हम इस दोनों को ले लेंगे। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि भाई जो उसके डायरेक्शन में था वो यहां पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। और जो ब्लैक कलर के दिखते हैं उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन थे, ये यहां पे हम दोनों ऐसे बता देते हैं कि चलो वो उनके डायरेक्शन में, अभी दो उसके डायरेक्शन में आ गए तो ये पॉसिबिलिटी होती है, उसके ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं है। फिर हम देखें CH2 के बारे में, चलो अभी CH2 का देख लेते हैं। देखो ये CH2 का कुछ जुगाड़ करते हैं ना, तो CH2 में कितनी पॉसिबिलिटी है। तो CH2 हम देखें तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले। कोई साथी ऐसे भी होते हैं कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी कुछ होती है कि एक उसके डायरेक्शन में, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो इतना ही पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे स्प्लिटिंग क्यों होती है और कैसे होती है। देखो यहां पे तीन सेट होते हैं, ये सबका डेल्टा वैल्यू एक कुछ आएगा, ये सेट का डेल्टा वैल्यू कुछ आएगा, वो नजदीक ही होगा पर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, इसका आएगा इसका आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि जो CH3 है वो उसके नेबर वाले हाइड्रोजन को स्प्लिट करता है। हम देखेंगे कि
कौन से तरह के रूल से कौन किसको स्प्लिट करता है, और जो CH2 है वो उसके बगल वाले CH3 को स्प्लिट करता है। और स्प्लिटिंग पैटर्न देखोगे ना तो उसमें नॉर्मल ट्रेंड ऐसा कुछ चलता है कि N+1 में हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो देखो यहां पे कितने सेट हुए, 3 सेट हुए, जहां पे 2 हाइड्रोजन है यहां पे 3 सेट हुए, मींस कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज N+1, हो गए 3, 1, 2 और 3। यहां पे देख ले N+1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 है, 3+1 तो कितने हो गए अभी 4, तो कौन से 4 सेट हो गए, एक ये हो गया, दूसरा कुछ ये हो गया, तीसरा कुछ ये हो गया, और फोर्थ वन इज दिस वन, इज इट। तो अभी ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां जो ये CH2 का है, देखा आपने ये CH2 का है, पर उसका स्प्लिटिंग कितने में हुआ है, 1, 2, 3 और 4, उसको क्वार्टरेट भी बोलते हैं। तो उसको किसने स्प्लिट किया, CH2 को CH3 ने स्प्लिट किया, CH2 को CH3 ने स्प्लिट किया, और CH3 को कौन स्प्लिट करेगा भाई, CH3 को कौन स्प्लिट करेगा, तो CH3 को कौन स्प्लिट करेगा, तो CH2 स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट कौन से बेसिस पे करेगा, N+1 के रूल्स, N+1 का रूल्स मींस क्या हुआ, देखो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन CH2 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो N+1, तो बगल वालों को कितनी कर देंगे, वो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आएगी, वो हमें यहां पे दिखती भी है, देख लो ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये है ट्रिपलेट, और ये जो है वो N+1 देगा, वो बगल वाले को क्वार्टेट कर देगा। तो क्वार्टेट कैसे चला, ये चला, ये देखो ये क्वार्टेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ जुगाड़ होता है, कंक्लूजन ये है कि N+1 से स्प्लिट करना है और तुरंत बगल वाले को ही स्प्लिट करना है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्पिन में क्या होता है। स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्प्लिटिंग, द इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ नेबरिंग न्यूक्ली, अपने ओन न्यूक्ली को वो स्प्लिट नहीं करेगा, नेबरिंग न्यूक्ली को करेगा। और जो कपलिंग होता है ना, जो कपलिंग होता है उसकी वजह से हमें स्प्लिटिंग मिलता है। तो हमारा इंपोर्टेंस यहां पे स्प्लिटिंग में है। तो स्प्लिटिंग आने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो कपलिंग है। और कपलिंग कैसे होता है, कपलिंग कौन से तरह से होता है, तो देखो कपलिंग थ्रू द बॉन्ड होता है। हमने यहां पे आगे भी देखा भी इस तरह का कुछ, हमने इथाइल क्लोराइड लिया हुआ था और इस तरह के एग्जांपल। तो ये देखो ये थ्रू द बॉन्ड हुआ, कैसे हुआ, थ्रू द बॉन्ड, ये यहां से लेके ये बॉन्ड होता है। अगर बीच में बॉन्ड नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो कपलिंग नहीं हो पाता। और ये कपल्ड हुआ इसीलिए जो ये कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो पैड फॉर्म में है वो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो गए और अनपैड हो गए। तो अनपैड होने की वजह से हमें कुछ स्प्लिटिंग मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अनपैड होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमें कुछ बॉन्डिंग। देखो अगर ये इतना सिर्फ होता है ना, इतना सिर्फ, देख लो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, चलो ये देख लो, तो उसको कोई स्प्लिट नहीं करेगा क्योंकि उसके बगल वाले में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए, सब सेम प्रोटॉन है, उसकी एक ही सिग्नल आएगी। मींस कि ये इलेक्ट्रॉन सब पैड फॉर्म में है, उसको अनपैड कौन करेगा, उसके बगल में कोई ऐसा ग्रुप आएगा तो ही उसको अनपैड करेगा, ठीक है। फिर स्प्लिटिंग कैसे होता है, इंडिविजुअल सिग्नल विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन मस्ट अपीयरिंग नॉट एज सिंगल पिक बट एज अ ग्रुप ऑफ पिक्स। वो कैसे मिलती है, ग्रुप ऑफ पिक्स, मैंने पहले ही एग्जांपल में बताया कि ये कुछ इस तरह से नहीं मिलता, ये कुछ इस तरह से नहीं मिलता, तो ये कुछ इस तरह से मिलता था हमें, जो आपको मालूम हो तो मैंने ऐसा भी बताया था आगे की वीडियो में, ऐसा ग्रुप ऑफ पीक मिलता है, जो एक ग्रुप ऑफ पीक्स आती है ना उसको ही बोलते हैं स्प्लिटिंग, और ये हमें कुछ इन्फ्रेंस देगा। स्प्लिटिंग के कौन से फैक्टर है, स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल बाय एनवायरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग प्रोटॉन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो यही एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, फिर से भी यही एग्जाम्पल में हम सब कुछ ढूंढते हैं तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
तो उसमें क्या हुआ, एनवायरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन। चलो हम सोचते हैं पहले ये हमारा कुछ एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन है, ये सब एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन है, और ये हमारा कुछ नेबरिंग प्रोटॉन भी ले लेते हैं इसमें, ये कुछ हमारा नेबरिंग प्रोटॉन हो गए। चलो ये हमारा कुछ नेबरिंग प्रोटॉन हो गए, ये दोनों की कुछ चीज मिलावट के साथ हमें मिलता है ना, वो स्प्लिटिंग मिलता है। तो रीजन क्या है, डिफरेंट स्पिन स्टेट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो ये सबकी स्पिन स्टेट डिफरेंट है, ये सेट की स्पिन स्टेट और ये सेट की स्पिन स्टेट डिफरेंट होगी। तो उससे रिजल्टेड क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नेबरिंग प्रोटॉन्स एंड एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द गिवन प्रोटॉन मे बी स्प्लिट अप इन डिफरेंट वेज। तो इसमें हम सोचते हैं कि भाई थियोरेटिकली थियोरेटिकली हमें कुछ वैल्यू मिलती है, बट प्रैक्टिकली वो वैल्यू डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन ये चीज, ये सेट की हम बात करें तो उसकी थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू डिफरेंस है। उसका रीजन ये है कि उसके उसके बगल में कोई एक है, कोई एक ग्रुप है हाइड्रोजन का, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट कर देता है। देखो तीन प्रकार के क्वांटम नंबर आते थे, वो मैंने पहले भी बताया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल है स्प्लिटिंग के लिए और स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो क्वांटम नंबर है वो रिस्पॉन्सिबल है स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। अब रूल्स ऑफ द स्पिन स्पिन कपलिंग और कपलिंग के साथ स्प्लिटिंग भी, क्या सब हाइड्रोजन कपल हो जाते हैं? तो हम पहले देख ले, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन डू नॉट शो द स्पिन। जो सेट होते हैं ना, जो सेट, देखो इसमें मैं बता दूं, यही एग्जांपल में पहले देखो, तो ये जो सेट हुआ, ये सेट के हाइड्रोजन एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे, ये सेट के हाइड्रोजन एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे, पर ये जो सेट है वो उसको स्प्लिट करेगा और ये जो सेट है ये इसको स्प्लिट करेगा। इसकी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट शोज कपलिंग। कौन नहीं दिखाता, जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मींस कि जिसकी हमें सिग्नल मिलती है, जो सेट की। तो किस में होता है, नॉन इक्विवेलेंट। देखो ये जो सेट है और ये जो सेट है वो दो सेट नॉन इक्विवेलेंट हो गए, और ये तीन हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट हो गए, और ये दो हाइड्रोजन है वो भी अपने इंडिविजुअली इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं तो कैसे होता है, तो इसमें हम देखें तो थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। HB कपल, देखो ये पहले देख लो एग्जांपल, तो इसमें ये एक सेट है और ये सेट है, ये दोनों सेम सेट है। दूसरा मैं बता दू, एक कुछ ये सेट है, ये कुछ ए सेट है, ये सब सेम सेट है, ठीक है। अब HB कपल विथ HC ये हो पाएगा, या ये दो सेट तो डिफरेंट है तो ये एक दूसरे के साथ कपल्ड होगी, बट HB और HA वो एक ही सेट के बंदे हैं, दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो वो HC एंड डू नॉट कपल, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो कपल्ड नहीं होते। HC मीन्स की ये हो गया, HC हम ले लेते हैं, चलो ये हमारा HC हो गया, एंड HD ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक ही कपल में है, एक ही ग्रुप में है, तो ये एक दूसरे को कपल, दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन सो दे डू नॉट कपल। जिसकी एक सिग्नल आती है ना उसको इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन नॉर्मली विल कपल, एडजेसेंट बोला है तो दूसरी तरफ बोले तो हम उसको विसनल बोलते हैं। देखो यहां पे हाइड्रोजन हो और ये यहां पे हाइड्रोजन हो तो HA और HB को हम विसनल हाइड्रोजन बोलेंगे, जो एक दूसरे के नेबरिंग एडजेसेंट कार्बन पे आए हुए होते।
देखो यहाँ तीसरा रूल है, हमने दो देखे, इक्विवेलेंट वाले होते हैं वो कपल्ड नहीं होते हैं, और नॉन इक्विवेलेंट वाले कपल्ड होते हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड हुआ एक, ये बॉन्ड हुआ दो, ये बॉन्ड हुआ तीन। तीन बॉन्ड का डिफरेंस होता है ना दो हाइड्रोजन में, तो वो कपल्ड हो पाते हैं। अगर जो हाइड्रोजन में तीन से ज्यादा, ये दो, ये तीन और ये चार हो गया, तो तीन से ज्यादा जिसमें होगा वो एक दूसरे के साथ कपल्ड नहीं होता, इसमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होता है, इसमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्प्लिटिंग होने के लिए नॉर्मली हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए, दूसरी डिफरेंट डिफिनेशंस में बोले तो विसिनल होने चाहिए, विसिनल हाइड्रोजन होने चाहिए, ओके, तो ही वो कर पाएंगे। फोर्थ, ओरिजिन ऑफ द सिग्नल स्प्लिटिंग, एन प्लस वन का रूल्स क्या है हम देखते हैं। नंबर ऑफ स्प्लिटेड पीक, ये कितनी स्प्लिट होगी उसका आधार वन मोर देन द नंबर ऑफ विसिनल प्रोटॉन। इसको सिंपल डेफिनेशंस में, सिंपल लैंग्वेज में सोचे तो ये कुछ होता है कि एन प्लस वन का रूल्स। देखो एच ए एंड एच बी ये एक दूसरे को कपलिंग करते हैं, तो उसकी भी डबलेट आएगी उसकी बजा, और उसकी भी डबलेट आएगी उसकी बजा। तो देख लेते हैं हम कैसे सिग्नल आते हैं। देख लो हमें कुछ मिल गया डबलेट्स, स्पिन स्पिन कपलिंग, वन एच बी एटम, और दूसरे यहां पे देखो तो इसने यहां पे इसका सोचा है, तीन आता है ना, तो ए एच ए का सोचा हुआ है, टू इक्विवेलेंट एच बी एटम, तो ये उसका तीन कर देंगे, वन टू और थ्री, जो मैंने बताया था वो सेट भी यहां पे दिखाया हुआ है। देखो तो यहां पे तीन है, तो तीन क्या करेंगे उसके, थ्री इक्विवेलेंट प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम्स, तो ये चार कर देंगे, एक दो तीन और चार, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा कुछ सेट हो गया, और फोर्थ हो गया। ये किसकी सिग्नल है, ये इसकी सिग्नल है, और उसकी सिग्नल को स्प्लिट कौन करता है, नेबर वाला। ठीक है, चलते हैं तो फिर आगे। ऑल द पीक्स ऑफ द गिवन मल्टीपल्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, तो इसकी इंटेंसिटी कुछ पास्कल ट्रायंगल पे भी चलती है। देखो एक सिग्नल हो तो ऐसा आएगा, दो सिग्नल हो तो कुछ इस तरह से आएगा, तीन सिग्नल हो तो वन, वन प्लस वन मीन्स टू और फिर से वन, अगर चार सिग्नल हो तो ये वन यहां पे रखो, दो प्लस वन तीन, दो प्लस वन तीन और ये वन हो गया, फिर से हो तो वन, तीन प्लस वन फोर, तीन प्लस तीन सिक्स, तीन प्लस वन फोर और ये वन हो गया। तो ये क्या बताता है, अगर आपका एक ही सिग्नल हो तो वो सिग्नल ऐसा दिखेगा, अगर आपका दो सिग्नल हो तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, वन वन। अगर तीन है तो ये दोनों की सेम और उसके डबल जितनी, ये इसकी हो गई, ये कुछ इसका हो गया और ये कुछ इसका हो गया। अगर क्वार्टरेट है, आपके पास कुछ क्वार्टरेट है, तो क्वार्टरेट कुछ इस तरह से, ये एक आना चाहिए, ये उसके तीन टाइम आने चाहिए और ये साथ में सेम आने चाहिए, ठीक है, और ये कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये पैटर्न से भी हमें कुछ मिलता है, हम कुछ कंक्लूड कर पाते हैं, वो हम देखेंगे आगे। देखो यहां पे दिखाया है सम कॉमन स्प्लिटिंग पैटर्न, तो देखो ये सी एच है, ये सी एच है, ये इसका स्प्लिटिंग होगा, उसका स्प्लिटिंग होगा, तो द हो गए तो वन इज टू वन, दोनों की साइज सेम होगी, देख लो है। इसमें ये जो सी एच थ्री है, सी एच थ्री वो चार में करेंगे, देख लो ये रहा वन इज टू, थ्री इज टू, थ्री इज टू वन, और ये जो सी एच है वो उसका दो में करेगा, तो ये हो गया पैटर्न्स दो। इसी तरह से उसको देख के हमें क्या देखो ये सिग्नल किसकी होगी सोचते हैं और आंसर बताते हैं हम, कि ये सिग्नल कुछ इसकी होगी, क्यों, क्योंकि उसमें ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट किसकी वजह से है, सी एच टू की वजह से, और ये सिग्नल किसकी होगी, तो ये सिग्नल कुछ होगी इसकी, और उसमें जो डबलेट है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये। तो इस तरह से हमें चलता चलेगा, ये जो है ये सिग्नल किसकी होगी, इसकी,
और ये सिग्नल किसकी होगी, तो ये इसकी हो जाएगी, उसमें ट्रिपलेट मिलता है। देखो ये तो ट्रिपलेट मिलने वाला है, तो 1:2:1 आएगा। सेम थिंग यहां पे, देखो यहां पे 6 हाइड्रोजन हो गए, तो उसका वो ये सिग्नल इसकी है, बट ये जो 6 हाइड्रोजन है उसकी वजह से उसमें 7 आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो वो कुछ हम इन्फ्रेंस निकाल पाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर देखो ये कुछ एग्जैक्टली एनएमआर इस तरह का दिखता है। अभी ये जो है हाइड्रोजन, यहां पे 2 सिग्नल आएगी, एक ये इक्विवेलेंट सेट है और एक दूसरा ये इक्विवेलेंट सेट है। पर आप देखोगे ना तो उसमें कुछ इस तरह का है कि हमें कुछ एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं होता। क्या नहीं ऑब्जर्व होता, कि ये कपल्ड नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके बीच में आप देखोगे CH3CO OC, तो ये जो हाइड्रोजन है उसके बीच में कितने बॉन्ड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, मिनिमम 3 बॉन्ड हो गए तो ही स्प्लिट करेगा, तो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एक सिग्नल ये आएगा और एक सिग्नल ये आएगा, और उसके बीच में आप ड्रॉ करोगे ना तो CH3COOCH3। अगर यहां पे हाइड्रोजन देख लो तो CH2 रख के, तो 1, 2, 3, 4 एंड है। ठीक है, देखो ये एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, तो यहां पे एक सिग्नल इसका आएगा और एक मीन्स की ये दोनों को सेट का सेम आएगा क्योंकि सीएल सेम है, और एक इसकी वजह से आएगा। तो यहां पे मैं देख के बता दूं कि ये जो सिग्नल है ये स्प्लिटेड 3 है ना, तो 3 किसको करेगा, तो ये दोनों की सिग्नल है, और जिसकी 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन इसकी N+1 हो गया, तो ये जो है ये सिग्नल, देखो एक मिनट, ये जो सिग्नल है ये इसकी होगी, 5 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, तो इस तरह के स्प्लिटिंग होते हैं। यहां पे ये इक्विवेलेंट हो गए, ये भी इक्विवेलेंट हो गए। अभी ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया अभी, कि यहां पे देखो 1, 2, 3, 4 है, 4 कौन करेगा, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है वो बगल वाले का, तो ये इसकी सिग्नल हो गई। और यहां पे 1, 2, 3 है, 3 कौन करेगा, जिसके बगल वाले में 2 हाइड्रोजन है, ये तो ये इसकी सिग्नल हो गई, और उसका सिग्नल आता है पर वो कपल्ड नहीं हो पाता क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है, और एसिडिक प्रोटॉन हर हमेशा वो सॉल्वेंट के साथ एक्सचेंजेबल प्रोटॉन में आता है। किसमें आता है, एक्सचेंजेबल प्रोटॉन, तो उसका कपल्ड नहीं होगा पर उसके सिग्नल सिंगल सिग्नल मिलेंगी। ठीक है, ऐसा एक्सचेंजेबल प्रोटॉन 2 ग्रुप में होता है, एक NH2 में होता है और एक OH में होता है, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है वो कंटिन्यूअसली एक्सचेंजेबल है। तो ये कुछ तरीका था हमारा स्पिन प्लेटिंग और कपलिंग आपको तक पहुंचाने का। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।